नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितरों की, पितृपक्ष की और श्राद्ध की। 2021 में जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। जी हाँ, ये 16 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पितरों के लिए। और ये पितृपक्ष में हम किस तरह से पितरों को मना सकते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पितर कौन होते हैं, हम पितर किन्हें कहते हैं और कैसे हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में वृद्धि और एक ग्रोथ हम अपने जीवन में ला सकते हैं। अधिकतर जो समस्याएं हैं हमारे जीवन की, बहुत बार मेरे अनुभव में, जितने मैं केसेस स्टडी करती आई हूँ, ये देखा है उसमें बहुत ज़्यादा दोष जो है पितरों के दोष होता है, जिसको पितृ दोष कहा जाता है। तो पितृ कौन होते हैं? देखिए, आप भी माता पिता हैं, मैं भी एक माँ हूँ। और इस लॉकडाउन में एक माँ ने जो रोल निभाया है, मतलब आपने, मैंने, मतलब हमारा काम तो इतना बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमने उफ तक नहीं किया। हम हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तत्पर खड़े रहे। जब उनको जो चाहिए था वो हमने करके दिया। हमारे पास डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं थे, फिर भी हम काम करते रहे निरंतर अपने घर वालों के लिए, खास करके अपने बच्चों के लिए। तो न केवल माँ, पिता ने भी बहुत काम किया है। तो ये जो एनर्जीज होती हैं माँ और पिता, ये जो एनर्जीज होती हैं, जो लोग ये लोग वो होते हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनको ज़रा से भी कष्ट होता है तो वो एकदम तिलमिला जाते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किस तरह से उनके जीवन को हम फिर से पटरी पे ला सकें या किस तरह से हम उनके जीवन को बेहतर बना सकें। तो जैसे हमारे माँ बाप हुए, हमारे माँ बाप के माँ बाप हुए या उनके माँ बाप हुए, जिन्होंने भी हमारा पालन पोषण किया, हमारे कुल की वृद्धि किए, हमारे वंश को बढ़ने में जिन्होंने सहयोग दिया है, वो हमारे पितृ होते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब स्वस्थ शरीर नहीं है, बट आत्मा तो अमर है। उनकी एनर्जीज हमेशा हमारे आसपास होती हैं। भले उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है, फिर भी उनकी एनर्जीज जो है वो हमेशा हमारे साथ, हर पल हमारे से कनेक्टेड होते हैं और उनके आशीष हमें मिलते रहते हैं। तो पितृदोष कैसे लगता है, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम माँ बाप हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसमें गिनाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है और हम करते रहते हैं। लेकिन दुख हमें कब होता है? जब हमारे बच्चे उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं या उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जब वो हमें इग्नोर करते हैं, तब हमें दुख होता है ना। उसी तरह से हमारे पितरों को जब हम भूल जाते हैं, जो हमारे वंशज हैं, जिन्होंने हमारे वंश की वृद्धि में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जब हम उन्हें भूल जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रखते, तब पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। जैसे हम माँ बाप हैं, हम बच्चों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा आके एक बार हमें गले लगा दे और ये कहे कि आई लव यू माँ, आई लव यू पापा, तो हम अपना सारा गुस्सा भूल जाते हैं ना, हम भी उसे गले लगा लेते हैं। वही तो एनर्जी है, वो भी तो हमारे माता पिता ही हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हम उनके वंशज हैं, मतलब हम उनके बच्चे हैं। तो जब भी देर सवेर हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है और जब हम उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो वो फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आप जानिए कि किस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पितृदोष की समस्या है कि नहीं है। बहुत बार कुंडली देख के या डेट ऑफ बर्थ से हम ये पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। जब एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो कुंडली सही से बन नहीं पाती है। तो उस वक्त हम कैसे पहचाने कि हमें पितृदोष है कि नहीं है? तो उसके बहुत ही सरल
सिम्टम्स हैं जो आप सभी लोग अनुभव किए होंगे। सबसे पहली चीज, आप कितना ही कष्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत उच्च पदवी पे हैं, आप बहुत पैसा रुपया कमाते हैं, लेकिन आपको जीवन में वो लग्जरीज आप भोग नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपका जीवन आज भी वही घिसी पिटी तरीके से गुजर रहा है। डिस्पाइट ऑफ अर्निंग लॉट ऑफ मनी, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय। आप शारीरिक तौर पे परेशान हैं, आप मानसिक तौर पे परेशान हैं, आप बच्चों से परेशान हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर की महिलाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं। अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बात बनते बनते अगर बिगड़ जा रही हैं, सब कुछ तय होकर फिर से टूट जाता है। अगर आपके वंश में नई नस्ल नहीं पैदा हो रही है, मतलब नए जनरेशन आने में दिक्कत हो रही है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको नौकरी ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर में आपका वास्तु एकदम सही है, आपने सारे पंच तत्वों को आपने अपने घर में बैलेंस करके रखा है, फिर भी घर में रोज समस्याएं उत्पन्न हो रही है और रोज़ जो है आप परेशानियों का सामना कर रहे हो, आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, आप डेब्ट फ्री नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं पितृदोष हमारे को लगा हुआ है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप पितृदोष से अपना निवारण कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम सब लोग अपने घर में पितरों की तस्वीर ज़रूर लगाते हैं। वैसे वास्तु के हिसाब से कहा गया है कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं ऐसी है कि इस विषय पे बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है कि नहीं लगाएं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सही दिशा क्या है आपके पितरों की तस्वीर लगाने की। सबसे सही दिशा वास्तु के हिसाब से है साउथ वेस्ट। जी हाँ, यहीं पे आप अपने घर का पितरों का तस्वीर आप लगा सकते हैं। अब पितरों की तस्वीर आपको हमेशा गोल्डन फ्रेम में लगानी चाहिए। बहुत लोग हैं आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के बहुत ही फैंसी फ्रेम्स मिलते हैं, तो लोग उसमें लगा देते हैं, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपका पितरों का फ्रेम अगर कोई और कलर का है तो आप उसको तुरंत जो है गोल्डन कलर में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने अगर मंदिर लगा लिया है, वैसे तो मंदिर आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने गलती से अगर साउथ वेस्ट में मंदिर लगाया है तो ये भी बहुत बड़ा पितृदोष को इन्वोक करता है, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो तुरंत वहाँ से मंदिर को आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर लीजिए। आप पितरों को सम्मान कैसे देना है, आपने अगर उनकी तस्वीर लगाई है तो हर रोज़ आप उन्हें याद कीजिए, उनको एक कृतज्ञता भाव आप दीजिए, आप उनसे ये कहिए कि आज हम जो भी हैं वो आपकी कृपा से हैं और कल हमारा जो भी आने वाला है वो आपकी कृपा से आने वाला है। इस तरह से जब आप एक ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे अपने पितरों के लिए तो वो बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए चले जाएंगे। अब ये पितृपक्ष क्यों है, आपको क्या लगता है? अब आज के बच्चे हैं, देखिए पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी जो हमारी परंपराएं हैं ये साइंस के परे हैं, ये साइंस के लॉजिक में नहीं आती है, लेकिन ये सही है और ये सच है। ठीक है, तो ये आपको क्यों करना है? आज हम जितने जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपने वैल्यूज से उतने उतने पीछे छूटते जा रहे हैं। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो ये सब कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए आप चाहे देश में हैं, परदेश में हैं, आप कहीं पे भी अपने पितरों को नमन कर सकते हैं, आप उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, आप उनको जो है एक सम्मान की भावना से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी तरक्की है, जो भी है, वो आपके पितरों के वजह से है, उनके आशीष के वजह से है। तो आप
कहीं पर भी है, जैसे अभी ये पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आपके पितरों को आप संतुष्ट कर सकें, आप उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। देखिए, पितरों को जब हम प्रसन्न करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु उनकी कृपा हम पर होती है। अब बताइए, जिनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होगी तो माँ लक्ष्मी वहाँ से कहीं जाएगी क्या? जहाँ विष्णु होते हैं वहीं लक्ष्मी होती है। तो ये कनेक्शन समझिए आप, जब भी पितरों की पूजा होती है उसमें विष्णु को पूजा जाता है। तो पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 16 ही दिन आप अपने पितरों को याद करिए हर रोज। उनके नाम से आप जल सुबह अर्घ दे सकते हैं, आप काले तिल और गुड़ इसका दान कर सकते हैं। बहुत बड़ी आपकी क्षमता नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उतने में ही आप काले तिल और गुड़ का दान कीजिए। आप अनाज भी दान कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी जो भी आपके लिए सही है, उस तरह से आप ये दान कर सकते हैं। आप गेहूँ, चावल, बाजरा, दालें, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। आप घी भी दान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम घी बहुत महंगा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यू नो पीपों के पीपे आप जो है घी दान कीजिए, नहीं, एक छोटा सा डब्बा ही क्यों ना खरीदिए आप, लेकिन वो किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए। इससे आपके पूर्वज, आपके पितृ, उनके नाम से संकल्प करके आप दान कीजिए। और ख़ास करके महिलाओं के लिए मेरा यहाँ पे एक संदेश है। मैं भी देखिए, मैं महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखती हूँ और मैं इक्वालिटी में बिल्कुल विश्वास रखती हूँ, लेकिन जब एक महिला की शादी हो जाती है तो उसको अपने पति के तरफ के पितरों को ही पूजने से या उनके उनके लिए दान करने से ही उनके जीवन में वो सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। वे अपने माता पिता के, अगर उनके माता पिता या उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगाना चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में भी देखा गया है कि महिलाओं को अपने पति के तरफ के जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उन्हीं को दान, उनके नाम पे दान करें, उनके नाम पे आप अन्न दान करें, ऐसा आप कर सकते हैं, तो ही आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि पितृदोष का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है महिलाओं पे ही पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जूझती हैं। पति पुत्र सुख और पति से सम्मान, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप इस एंगल पे थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखिए और आपको सच में समझ में आएगा। आप ये करिए, ये एक चमत्कार की तरह आपके जीवन में काम करेगा और आप बहुत अच्छे से जो है आगे ग्रो करेंगी। आप इस पितृपक्ष में हर रोज़, इन 16 ही दिनों में हर रोज़ उनकी पसंद की कोई वस्तु बना सकते हैं, कोई भी जो वो खाने में पसंद करते हैं, और उसका पहला निवाला, पहला भोग आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद आप ये किसी जैसे कौवे को या किसी प्राणी को आप वो खिला सकते हैं। इस तरह से भी आप 16 ही दिन आपके पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं ये पितृदोष को बहुत सरल बना के, सरलता के शब्दों में आपको समझा के, इसके निवारण हेतु आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बस पितृपक्ष आने ही वाला है, हम ऑलरेडी सितंबर में पहुँच चुके हैं, तो आप सभी लोग अभी से तैयारियाँ कर लीजिए कि आपको किस तरह से करना है, प्लानिंग कर लीजिए, और ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें और ये चीज़ें आप कर सकें। ये वीडियो आप निस्वार्थ भाव से आप अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आत्मनमस्ते।